सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पर जो रिएक्शन है वो सिद्धू मूसेवाला के गाने पर है, और इस गाने का जो नाम है वॉच आउट है, और ऑफिशियल ऑडियो है ये ट्रैक, और साथ में है उनके सिकंदर कालून। तो काफ़ी टाइम बाद हम उनको सुनेंगे, और जैसे कि मैं इनके एक गाने को रिएक्शन दे चुकी हूँ जो कि जस रैली ने गाया था, शायद मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो जस ने जो है सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जो है ट्रैक निकाला था मूसेवार, तो उसमें भी मेरा रिएक्शन दिया है, और मुझे वो गाना भी काफ़ी अच्छा लगा। जो सिद्धू मूसेवाला के अंदर जो प्योरनेस थी, वो सारी प्योरनेस जो है वो गाने के अंदर उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन करी है, प्रेजेंट करी है, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और उस गाने पर भी मैंने रिएक्शन दिया है। और अगर आपको उस गाने पे मेरा रिएक्शन देखना है तो उसका जो लिंक है मैं रख दूंगी। अब इस गाने की बात करते हैं कि इस गाने के अंदर सिकंदर कालोन है उनके साथ, तो गाने को चेकआउट करते हैं, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं कि गाने के अंदर क्या कुछ लेकर आए। बदले हुंदे वांग तिहारा दे, जिन्ना चिर नी हुंदे पूरे कर कोई वरदा नी, हो के तकले रहे हो अलान ये मेरा वैरिया नू, थोनू जो नी दिंदा जिन्ना चिर मैं मरदा नी, साडे कोल भी 30 कोरियन मेड जिगाने ने, जे हो गए टाकरे सिद्धियां मथे नू आउन गिया, जे होया डराउणा ने फे चो मैं करदा नी, हो गए टाकरे रे हो अलान ये मेरा वैरिया नू, थोनू जो नी दिंदा जिन्ना चिर मैं मरदा नी, कबूल रूल है रसूल मेरा एक ही है वजूद, मुके दुश्मन नहीं मुके अबरूद, निकले जलूस मैं दाऊ तू जलूद, निबदी नी सच्चिया दी सारिया नाल, मेरी कृपा ने कहे मैनू आर्या पार, शरीर दे गए ते ना होए अफसोस, जमीर जे मरे ओनू कहंदे ने मौत, बागी ने मुंडे साडी गरम जबानी, अमर कहानी है फजर पुरानी, मूस आओ पाके पोस्ट जाना रे हो ना ये मैं उड़ी काते, कोट तरीका दे ओ जिथे चित कीता उथे आके जद भी टक्कर लियो, किथे जाना आउना किसे कोलों कोई पर्दा नी, हो के तकले रे हो अलान ये मेरा वैरिया नू, थोनू जो नी दिंदा जिन्ना चिर मैं मरदा नी,
भाई जब ऐसे सिद्धू मूसेवाला को सुनते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ हम उनको सुन पा रहे हैं। पर ये भी होता है कि अंदर से कि हम उनको अब वो हमारे साथ नहीं है, उनको देख नहीं पाते, तो वो एक दुख तो रहता ही है। पर जैसे कि मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि गाने को सुना तो ऐसा लगा कि हाँ वो हमारे आसपास ही हैं और उनको हम सुन पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने यही बात बोली थी कि मैं मर भी गया ना तब भी मेरे गाने जो है वो रुकेंगे नहीं और वो आते ही जा रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि हमारे लिए वो इस तरह के ट्रैक्स जो है छोड़ के गए हैं, लिख कर गए हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है। मेरे हाथ आ गया तो मैं छटता नहीं। और सच में जब भी हम पाजी को सुनते हैं तो उनकी लिखाई, उनकी जो राइटिंग है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम लोग सुनकर तो प्राउड होते हैं, पर जिनको ये गाना जो है हिट हो रहा होगा, ये लाइन हिट हो रही होगी, तो वो लोग जो है आधी मौत तो वहीं मर जाने वाले हैं। क्योंकि होता है ना, किसी को आप बोलो उसको इफेक्ट होना चाहिए और वही चीज़ उसको इफेक्ट होगी तो वो आधी मौत तो वहीं मर जाने वाला है। और अगर मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि अगर पाजी होते तो वो तो पूरा पूरा वैसे ही मर जाता उनको देखकर, आधा सुनकर आधा उनको देखकर। तो जैसे कि इस गाने के लिरिक्स की बात करूं तो राइटिंग जो थी सिद्धू पाजी की वो काफ़ी ज़बरदस्त लगी, और वैसे भी उनके सारे गानों की जो राइटिंग होती है, जो लिखाई होती है, वो ज़बरदस्त होती ही होती है। तो जैसे कि इस वीडियो में जो विजुअल दिखाया था टाइगर का, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, वो पाजी को दर्शा रहा है। तो जैसे कि इस गाने के अंदर, इस गाने के बीट्स की बात करें तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। रूल रसूल और मेरा एक असूल, और यहाँ पर सिकंदर कालोन के जो वर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे लगे। जिस तरह से इस गाने के अंदर जो सिद्धू पाजी के बारे में जो भी कुछ लेकर आए हैं वो प्रेजेंट किया उन्होंने इस गाने के अंदर, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो बहुत ही अच्छा लगा इस गाने को सुनकर। और पाजी के जो जितने भी ट्रैक होते हैं वो नेक्स्ट लेवल के होते ही होते हैं, और जब भी मैं सिद्धू पाजी को सुनती हूँ तो एक अंदर से खुशी होती है, एक अंदर से सुकून मिलता है कि हाँ हम पाजी को सुन पा रहे हैं ऐसे टाइम में भी, ऐसे वक्त में भी। तो बहुत ही खुशी होती है उनको, उनकी आवाज़ सुन के, उनके वर्स को सुन के, जिस तरह से वो अपने गानों में वो सब चीज़ें लेकर आते हैं। तो गाना काफ़ी अच्छा था, और आप सब जो है गाने को प्यार दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है ये गाना जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है। शायद ये गाना 2 दिन पहले आया था या कल आया था, मैंने तो मैंने जो है फ़ोन को इतना यूज़ ही नहीं करा, बाद में देखा तो ट्रैक आया था सिद्धू पाजी का, क्योंकि फेस्टिवल में यही हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता फ़ोन चलाने का या फ़ोन यूज़ करने का, और ये भी पता नहीं लग पाता कि कौन से गाने आए हैं कौन से नहीं। सडनली जब देखती हूँ तो एकदम से सरप्राइज ही मेरे फेस के आगे वो गाना शो हो जाता है कि भाई ये गाना आया है। और रात को भी मुझे गाने पता लगा था कि बंटाई का गाना आया है। तो इस गाने के बारे में बात करें तो मुझे ये गाना जो है बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा, और प्यार दीजिए इस गाने को। और मुझे ऐसा लगता है इस गाने को काफ़ी मिलियन आ चुके हैं, 10 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलियन आए थे सुनने में, तो ऐसे ही आया था। तो बस सिद्धू पाजी को प्यार दीजिए, और जितने भी उनके चाहने वाले हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो जब तक के लिए आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।